आ चुका हूँ इनकी कैपिटल सिटी में और बिल्कुल अभी भी मैंने चेक इन किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे टेरेस भी मिल गया, रूम के साथ मुझे टेरेस मिल गया। मैं आपको टेरेस दिखाता हूँ। ये देखिए कि कैपिटल द सोल में, और मुझे एडवांटेज ये मिला है कि मुझे टेरेस भी मिला है साथ में, तो यहाँ पर बैठने के लिए भी अरेंजमेंट दिया गया है, यहाँ बैठ भी सकते हैं। इस वक्त मैं जो एन सोल टावर है उसके बहुत पास में। मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए और इस वक्त मुझे तलाश है एक मुस्लिम रेस्टोरेंट्स की। अभी चूंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं सर्च करता नेट के ऊपर, तो अभी तो बस निकल गया हूँ और देखते रेस्टोरेंट से कुछ है यहाँ पर। लेट्स सी। मुझे किसी ने बताया था कि इस होटल के पास एक टर्किश रेस्टोरेंट है, तो मैं वही देख रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स जैसे कि मैंने कहा कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा उसको देख कर कि इस वक्त मौसम कैसा होगा, तो मौसम तो ठंडा हो रहा है। यकीन माने पूरी फूड स्ट्रीट है, फिर मेरे मतलब का कुछ भी नहीं मिलता। कहीं और चलते हैं, कुछ और सर्च करते हैं।대국민이 복부 위반인데 나는 복부 위반 표준에서 이하야. 제일 어렵게 제일. इनका मेन्यू देखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस यहाँ इस गली में मुझे कुछ मिल पाएगा, फिर भी मैं देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। और ये भी पूरा मेन्यू है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर कुछ ना मिला तो मेरे बैग में नूडल्स रखे हुए हैं जो मैं अपने साथ घर से लेकर आया था, मजबूरन मुझे फिर वही खाना पड़ेगा। अच्छा, ये एक ग्रॉसरी शॉप है, यहाँ से कुछ ले सकते हैं और ये मेरा सबसे लास्ट ऑप्शन होगा, पहले मैं बाकी चीज़ें देख लूँ। आगे नजर नहीं आ रहा, ऐसे करते हैं
दूसरी साइड पर जाके सर्च करता हूँ। वैसे मुझे जैकेट पहनकर आना था क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाहर मौसम कितना ज़्यादा ठंडा होगा। अभी मैंने चेक किया है वो -7 degrees शो कर रहा है। तो खैर अब तो मैं बाहर आ चुका हूँ इसलिए अभी मैं वापस नहीं जा रहा। अब मैं कल आऊँगा तो कल मैं जैकेट पहन लूँगा। ये इनका मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन का बाईपास, मेट्रो स्टेशन है। फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर 10 बजे रात हो जाती है। अब हम लोग तो यूज्ड टू हैं लेट नाइट जागने वाले। तो मुझे कहा गया था कि अगर आप लंच के लिए जा रहे हैं तो अभी से चले जाएं क्योंकि बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। ये है फूड स्ट्रीट। हर मुल्क में ढाबा होता है तो ये यहाँ का ढाबा है। और वैसे ये ऑप्शन भी बुरा नहीं है कि अगर कुछ खाने को नहीं मिलता तो और ही ले सकते हो। स्ट्रॉबेरीज तो आप देखें आई थिंक पर पैकेट 7,000 won का है और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये है 20,000 का। और ये जो ग्रेप्स हैं ये 3,500। और ये जो ऑरेंजेस हैं 4,000 फॉर वन पैक एंड ये वाले हैं 3,000 फॉर वन पैक। ओके तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, मैं खाने के लिए यहाँ से भी ले सकता हूँ। और ये जो सेब हैं एप्पल 5,000 और ये भी 5,000। आप लोगों के साथ साथ प्राइस भी इसलिए दिखाता जा रहा हूँ कि अगर आप में से कोई पूरे यहाँ आता है तो यहाँ पर आप लोगों को इनका लाइफस्टाइल पता होगा, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों का पता होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ साथ प्राइस भी दिखाता जा रहा हूँ। अभी आगे का जो एरिया है वो कुछ बंद सा नज़र आ रहा है, कुछ है नहीं आगे। तो ऐसा करते हैं दूसरी साइड पर चलते हैं। दूसरी साइड पर ये फिश भी है यहाँ पर, इसकी प्राइस 3,000 लिखी हुई है फॉर वन पीस और काफ़ी पुरानी सी लग रही है, फ्रेश नहीं है ये। हाँ उस तरफ मुझे कुछ नज़र आ रहा है तो वहाँ चल के देखते हैं। और इन केस अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता तो फिर मैं वापस होटल की तरफ चले जाऊँगा। होटल की तरफ चले जाऊँगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। This one is not... आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी शॉप्स हैं ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, अभी बस ये कुछ शॉप्स ओपन हैं वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे कुछ मिलेगा या मैं कुछ खा पाऊँगा यहाँ पर। अगर मुझे फ्राइज़ मिल जाती हैं या फिश मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं ज़रा यहाँ पर देख लूँ, मुझे यहाँ पर आई थिंक कुछ अपने काम की चीज़ नज़र आ रही है। सी फूड एंड ग्रीन ऑनियन 7,000 stir fried Korean chili pepper pork
pork hai to main nahi le sakta isliye usko rehne denge, the 5000 ki price hai. And chicken skewer 3000, broiled rice I think ye boiled rice hoga, aur iske alawa fried rice ki एक काम करते हैं इसको सामने से जाके देख लेते हैं, इनमें भी जैकेट्स सेल पर लगाया हुआ है 5000 पे, तो बहुत चीप हुआ, आई थिंक चीपर है, इट्स ऑल्सो वेरी चीप 5000 won, which means this is equivalent to $5, I think so. So let me see what they have. Ye hai cheese, hot dog. They also have shrimps. I think I can try shrimps. Deep fried vegetables. So I think I can only try this shrimp. Okay. Or shops hain acche dikh rahe hain. काम करते हैं, पहले मैं एक राउंड ले लूं, उसके बाद फिर मैं वापस आके खा लूँ. पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे क्या है. मुझे लगता है मुझे कल फिर यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि शॉप्स काफ़ी बंद हो चुके हैं. इस वक्त यहाँ पर रात के सिर्फ 8 बजे हैं और आपको 8 बजे भी ऐसा लग रहा होगा जैसे काफ़ी रात हो चुकी है. ऑलमोस्ट सब कुछ बंद ही हो चुका है. वैसे एक पल के लिए मुझे लग नहीं रहा कि सब मैं कोरिया में हूँ क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसा हमारे अपने मुल्कों में होता है. और आप देख सकते हैं कि सब पैकअप चल रहा है, सब लोग पैकिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब बंद है. एक बार फिर से बताना चलूँ कि इस वक्त ये सोल है और इस वक्त मैं सोल जो कि कैपिटल है. और एक बार फिर बता चलूँ कि ये जो मार्केट आपको दिख रही है, ये बाज़ार यहाँ का बहुत फेमस बाज़ार है और बाज़ार का नाम ये तो मुझे मालूम नहीं, बट मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं इस बाज़ार में ज़रूर आऊँगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिसमस के लिहाज से काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाली है, और लेकिन मुझे यहाँ फिर से आना पड़ेगा. और ये सोल टावर एंड सोल टावर के बहुत पास का इलाका है और ये मार्केट जो है इसके पास में, और बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए. और मुझे इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं लग रही, प्राइस काफ़ी कम लग रही है. तो मैं यहाँ कल फिर से आऊँगा, एक बार फिर से आऊँगा और देखूँगा ये जो शॉप्स बंद हैं उसके अंदर क्या क्या वैरायटी अवेलेबल थी. फ़िलहाल बस एक राउंड में लगा लूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा. लेकिन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई हैं जो मैं यहाँ से शॉपिंग के लिए ले जा सकता हूँ. यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं, स्ट्रॉबेरीज ओनली 1000, तो इतना ज़्यादा नहीं है. अगर इसको करेंसी को अगर कन्वर्ट करके बताऊं तो दुबई के जो यानी कि यहाँ के जो 300 होगा वो दुबई के 1 दिरहम के बराबर होता है. ऑलमोस्ट ऐसे ही इनका कुछ कन्वर्जन है. ये देखिए काफ़ी शॉप्स हैं और मैं यहाँ कल फिर से आऊँगा, लेकिन कल मैं थोड़ा जल्दी आऊँगा ताकि मैं कुछ मज़ीद शॉपिंग कर सकूँ. अभी तो सिर्फ मैं खाने के लिए कुछ खाऊँगा. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो आप समझ गए क्या चीज़ है, जिससे आगे चलते हैं. यहाँ पर भी गाइस ये हैम है, पिग है, तो
ये भी सब जगह ये वही चीज़ है। ये देखें ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जो कभी बंद हैं। मैंने कोरिया ट्रिप की जो वीडियोस थी इसको पार्ट्स में बनाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया है। मैं चाहता हूँ कि आपको जितना मेरे लिए पॉसिबल है एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। आप ये मत समझिएगा कि उस बच्ची को कुछ प्रॉब्लम था, वो खेलते हुए जा रही है, और ये मत समझे कि डांस कर रही है, ये उछल रही है ठंड के मारे। तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और बिल्कुल भी बोरियत का एहसास नहीं हो रहा। बस वो एंड तक मैं देखूँगा, उसके बाद मैं वापस जाऊँगा क्योंकि मुझे श्रिम्प्स खाने हैं। इनके पास भी कुछ है बट आई थिंक ये थोड़ा क्लोज, और वैसे भी ये मेरे लिए नहीं था। ओके आई थिंक दैट्स इट। तो ऐसा करते हैं वापस चलते हैं और मैं एक और वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोग देख रहे होंगे कि ये लोग कैसे बना रहे हैं। ओके गाइस, तो मैंने श्रिम्प का ऑर्डर दे दिया है, अब उसको फ्राई कर रहे हैं ताकि एकदम से फ्रेश और हॉट मुझे दे सके। इट्स रेडी टू गो। तो गाइस अब आप लोग मेरे खाने का वेट करें, मैं इसके बाद आपको दोबारा से ज्वाइन कर दूँ। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ 3 श्रिम्प देख रहे हैं, तो बेसिकली ये हैं 3000 के, यानी कि 1000 का एक श्रिम्प है। चले अब मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि कैसा है। सो टेस्टी। बस अभी एक लास्ट पीस रह गया था। जबरदस्त, बहुत अच्छा है। ग्रेट। बहुत अच्छा बनाया हुआ था और ख़ासकर ऐसे ठंडे मौसम में और ही मज़ा दे रहा है। तो अभी तो वो हालत हो रही है कि घर भागने का दिल कर रहा है। तो घर भागने का दिल क्या कर रहा है, ऐसे करते हैं घर भाग ही जाते हैं। तो बस मैं वापस जा रहा हूँ होटल की तरफ और ओके गाइस बाय बाय। गाइस मैंने डिनर अप कर लिया, अब मैं वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, उसी बाज़ार में से गुजरता हुआ जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले मैं गुजरा था। वैसे मुझे यहाँ पर मोस्टली जो हैं कोरियंस दिख रहे हैं, फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पर मगर इतने ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहे। वैसे ही इनका कैपिटल है सोल, तो होपफुली जब मैं डे टाइम में यहाँ पर आऊँगा तो मार्केट भी खुली हुई होगी और बहुत सारे फॉरेनर्स भी नज़र आएंगे। और एक अच्छी बात ये सोल में कि गुआंगचू जो इनका क्योर सिटी है वहाँ पर मुझे
काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था जैसे कि लैंग्वेज में, तो यहाँ पर ऐसे लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई जो है इंग्लिश में बात कर रहा है और जो लोग बात नहीं भी कर रहे उनको समझ में आ रही है। तो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इन लोगों को मालूम है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ठंड की वजह से मेरी नोज़ ही थोड़ी सी बह रही है, मगर खैर अभी जब मैं वापस जाऊंगा तो कल मैं जैकेट पहन कर आऊंगा और हाथों में ग्लव्स भी पहन के आऊंगा। फिलहाल आपको मेरी सराउंडिंग में ये देख रहा होगा कि जिसे देखो वो इतना कवर्ड करके फिर रहा है जैसे एक क्या बोलूं मैं अभी यार बहुत कुछ है यहाँ पे मेरे ख़रीदने के लिए, मैं बहुत कल शॉपिंग करने वाला हूँ। तो अपनी फैमिली को एक पैगाम देता चलूँ कि मेरा इंतज़ार कीजिए, सब कुछ लेकर आ रहा हूँ। गाइस देखिए सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, जो थोड़ी देर पहले खुला था अब सब बंद हो चुका है और अभी भी इस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो मैं तो 10 बजे का सोच रहा था, यहाँ तो 10 क्या 9 बजे से पहले सब कुछ बंद हो गया। वैसे एक बात आपको बताता चलूँ, मेरे होटल का रास्ता क्या मैं भूल चुका हूँ, मैं किस रास्ते से आया था अभी मैं GPS ऑन करके सर्च करता हूँ। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने बहुत ही एक्सप्लोर कर लिया और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइजेस मुझे एज कम्पेयर टू दुबई और गल्फ कंट्री या ओमान की प्राइजेस मुझे ज़्यादा नहीं लग रही हैं, कि मुझे तो कम लग रही हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेरिजन मुझे कम ही लग रहा है। बाकी ओके तो अब मैं कल एक और वीडियो बनाऊँगा, एक तो इसी एरिया को कवर करना है, मुझे और भी जगह पर जाना है और तब तक के लिए बाय बाय। मुझे इनकी मेट्रो सर्विस भी यूज़ करनी है और इस शहर में क्या क्या है देखने के लिए वो आज रात मैं सर्च करूँगा सारा, फिर मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। वैसे इंग्लिश कर सकते हैं, चलिए मैंने इसे इंग्लिश कर दिया और इंग्लिश करके भी टच टू स्टार्ट। इंग्लिश अब हम इसे करते हैं अब तो ठीक है। फिलहाल अच्छा जो मैं आपसे मार्केट का नाम कह रहा था बेसिकली वो ये मार्केट है जो भी मैंने आपको दिखाई वो ये मार्केट थी जिसका नाम याद नहीं आ रहा था, तो नामदीमन मार्केट ये इसका नाम है, मेरे तो मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा इतना मुश्किल है। और इस मेट्रो स्टॉप का नाम भी नहीं बल्कि बदले जा रहा है। चले आगे चलते हैं। क्योंकि मैं तो उस वक्त सोल में, तो आई थिंक मेट्रो का नाम भी सोल ही होगा।